नमस्कार दोस्तों, मैं ससी मिश्रा। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाली आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है वेज हॉट एंड सार सूप। तो आप, ठंड आने आ गई है, सब कोई अपने अपने घर में सूप बनाकर पीते हैं। टोमेटो सूप हुआ, वेज सूप हुआ, मार्केट से भी मंगाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को घर में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है। मैंने यहाँ ली है आधी कटोरी छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई पत्ता गोभी, आधी कटोरी फ्रेंच बीन्स, आधी कटोरी स्वीट कॉर्न, आधी कटोरी हरी मटर और 4 से 5 कटी हुई गाजर है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये हरा प्याज है, इस हरे प्याज का जो आगे वाला पार्ट होता है वो है, और ये हरे प्याज का जो पीछे का पार्ट होता है सफ़ेद वाला वो मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 चम्मच। हरी धनिया है बारीक कटी हुई, और ये लहसुन है 7 से 8 कलियाँ मैंने छील कर बारीक बारीक काट लिया है, और ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है। और सूप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बटर लिया है थोड़ी सी, 1/2 पिंच के हिसाब से नमक है, ये है काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, ये ब्लैक सोया सॉस है और ये रेड चिली सॉस है, दोनों मैंने 1-1 चम्मच लिया हुआ है। तो चलिए अब हम सूप बनाने की तैयारी कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई या पैन, जो भी आपके पास है इसके ऊपर रखिए। पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे बटर, आप सूप बना रहे हैं तो बटर ही इसमें डालते हैं। बटर मेल्ट हो जाए इसके लिए लो मीडियम पर हम इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें हम कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको हमें अच्छे से सौते करना है, इसको हमें ब्राउन नहीं करना। ये हो गया सौते, अब हम सारी सब्जियों को इसमें 1-1 करके डाल देंगे। ध्यान रखें स्वीट कॉर्न जो है ये उबला हुआ होना चाहिए, आप नहीं भी डाल सकते हैं उबला हुआ, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा उबाल लिया था। डालेंगे गाजर, पत्ता गोभी, हरी मटर, फ्रेंच बीन्स, और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है सब्जियों को, 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम सौते करेंगे, और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे लो फ्लेम पर। ये है कॉर्नफ्लोर, मैं इसका घोल बना लूँगी इसको सूप में डालने के लिए, बना के रख लेंगे हम। अब ये घोल तैयार है, अब इसको हम साइड में रख देंगे, चलते हैं हम अगला देखते हैं। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे। ये है प्याज का जो सफ़ेद पार्ट था मैंने काट के रखा था, अब इसको हम डालेंगे इसमें। अब डालेंगे हम नमक, नमक हिसाब से डालेंगे क्योंकि रेड चिली सॉस जो है उसमें भी नमक होता है। आप सूप बनाने के बाद टेस्ट करके नमक डाल सकते हैं। एक मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर फिर ढक कर हम पका लेंगे। चलिए 1 मिनट हो चुके हैं, अब मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, ये अच्छे से सौते हो गया है। अब ये जो प्याज का हरा पार्ट था ये भी डाल देंगे, इसमें आप मशरूम भी डाल सकते हैं, हरे मटर डाल सकते हैं, आपका मन नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हरे मटर डाले हैं, मुझे बहुत ही पसंद है।
अब मैं यहाँ डालूंगी रेड चिली सॉस, ये सोया सॉस, काली मिर्च पाउडर और ये लास्ट में हम डालेंगे इसमें विनेगर एक चम्मच और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें हम एक कप पानी, ये दूसरा कप है, मैं तीन लोगों के लिए बना रही हूँ, इसमें हम डालेंगे पानी दो कप, अब इसको हम ढक देंगे, फ्लेम को हम हाई कर देंगे। चेक कर लेते हैं हमारे सूप को, इसको बनाने में 15 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट का जो टाइम बचा है उसमें मैंने ये जो गोल बनाकर रखा था अब इसको हम डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। ये देखिए गाढ़ा होने लगा और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको हम, अब फ्लेम हमारा लो हो जाएगा और इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा था वो दूर हो जाए और हमारा सूप अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारे सूप को। सूप बहुत ही अच्छे से बन चुका है और बहुत ही अच्छा बना है। इसमें मैंने विनेगर डाला था इसलिए कि ताकि ये थोड़ा सा खट्टापन है इसमें और कूल पानी मैंने इसमें आधा लीटर डाला है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म हम सूप परोसेंगे। अब तो चलिए मैं अब सूप निकाल कर आप लोगों को दिखाती हूँ कितना बढ़िया और कितना अच्छा हमारा सूप बना है। गर्मा गर्म सूप रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे मक्खन, इससे हमारे सूप का टेस्ट दुगुना हो जाएगा। वेज हॉट एंड सार सूप मेरा रेडी है, तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा यह सूप कैसा बना है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।